बैंगन की चटनी, हरी सब्जी, प्याज हरी सब्जी, अंडे की और रायता। तो जी संडे का दिन है और ये है हमारी शाम की चाय, और शाम की चाय बन रही है और ये है मेरा आज का एक्सपेरिमेंट। तो ब्रेड को कुछ अलग तरह से सिखा गया है और इस पर जो ये लगा हुआ है मक्खन, इसको भी थोड़ा सा कुछ चेंज किया है। हालांकि मैंने भी खाई नहीं अभी तक, अभी इसको ट्राई करूँगा कि ये कैसी होने वाली है ब्रेड। तो देखते हैं और फिर हम निकलेंगे बाहर की तरफ। शाम हो चुकी है, दिन भर से खा पी के हम रेस्ट ही कर रहे थे और आप सोच रहे होंगे कि चाय ब्रेड पे दिखा रहा है, खुद क्यों नहीं बात कर रहा है कैमरा पे आके। तो वो भी आपको भी थोड़ी देर में मैं दिख जाऊंगा, अभी पीते हैं चाय। फाइनली मेरा चेहरा देख पा रहे हैं वीडियो में, तो मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। फिर भी जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे या जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखते हैं, उनको मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हाय, मैं हूँ भूपेश माथुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिकल ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे कि आज संडे है और हम लोग जा रहे हैं नया के यहाँ से, तो वहाँ डिनर भी है और मस्ती करने वाले हैं। अब आई होप टाइम मैनेज हो गया तो सारी चीज़ कर पाएंगे और शायद मैं रिकॉर्ड भी सारा कर पाऊँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टाइम कम होता है तो मैं बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं भी कर पाता हूँ, ताकि जो इन्जॉयमेंट है वो भी बराबर ज़रूरी है। क्योंकि मैं तो ऐसे चलो ड्यूटी भी अगर ये कर रहा हूँ, तो मेरे जो साथ वाले हैं वो तो अपना इन्जॉयमेंट ही कर रहे हैं। तो बस अब मैं निकलता हूँ ब्लॉक लगा के। तो हम लोग पहुँच चुके हैं और ट्रैफिक आज कम था, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो सबसे पहले तो मिलेंगे हम उस छोटे से पग से, जो पप जो है लास्ट टाइम हमें यही मिला था, देखते हैं कहाँ मिलता है। यहाँ तो नहीं, यहाँ हमेशा पेट्रोल की स्मेल पता नहीं क्यों आती है। ये तो मिल गई है, इसके साथ वाला जो पप है वो नहीं मिला। चेक करो, देखो सिर्फ साउंड पे रिएक्ट कर रहा है। एक सेकंड अभी सुन के आया है या फिर ऐसा कुछ और करो। अरे इसने देखा, रिएक्ट किया। तो फिर शायद ये पार्शियली ब्लाइंड है, कम दिखता है नज़र कमजोर है इसकी। चलो इसको कुछ खिलाते हैं। खुशबू बाहर तक आ रही खाने की। मुझे तो यही लग रहा था कि इसके अंदर तो स्नेक्स ही स्नेक्स है, लैडर्स तो है ही नहीं, तो बटरफ्लाई इसमें लैडर्स हैं। नहीं, आपको ये जो और जो ये जो कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ना। हाँ, तो बच्चों को सिखाने के लिए कितने अच्छे अच्छे गेम्स आते हैं। स्टेट्स के लिए बटरफ्लाई है, उसमें डाइस भी जो है लिमिटेड नंबर है। लिफ्ट की जगह मैंने लिए हैं स्टेट्स, स्टेट्स हो सकते हैं। सब हम लोग निकल रहे हैं और तो वहाँ डिनर कर रहे थे, गेम खेल रहे थे,
हालांकि मैं बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ वहाँ पे, बट हमने काफी एंजॉय किया। और जैसे कि आप गेम वाला पार्ट जो देख सकते हैं, तो वो बहुत देर तक खेल रहे थे हम। हालांकि एक गेम और था जो हम खेलने वाले थे, बट टाइम की कमी के कारण हम वो वाला गेम खेल नहीं पाए, जिसका नाम है न्यूटन ट्री। और उम्मीद है आगे वाले ब्लॉग में आप देख पाए उसे, अगर मुझे वो मिल जाता है तो। एंड तो बस आज गेट टुगेदर थी, क्योंकि काफी टाइम से हम साथ रह रहे थे, तो हमने ऐसा भी सोच रखा है कि हम वीकेंड पे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बनती कोशिश यही है कि हम वीकेंड पे मिले, तो काफ़ी अच्छा रहता, बहुत अच्छा लगता है कि हम वापस से मिल रहे हैं। और तो बस यही है अब, क्योंकि संडे है आज, तो कल मंडे है यार, वापस रेस्ट करना है आके, तो बस हम आ गए फटाफट, अब रेस्ट करेंगे। और सुबह से वही है कि सब वापस वही रूटीन, वही सब चलता है सबका ही, उन लोगों का भी अफसोस है। बस यही मैं एंड करता हूँ ब्लॉग का, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।